खबरें आ रही हैं कि नेफा में चीनी घुसपैठ पर चुप्पी साधे हुए हैं। चीन किसी भी समय युद्ध की घोषणा कर सकता है। सोचिए, जिस बैंक में आप पैसे जमा करते हैं उसमें खुद बैंक उन पैसों को आग लगा दे। ऐसा ही कुछ हुआ नवंबर 1962 भारत के तेजपुर में, जो असम में पड़ता है। रात के समय वहां के मैनेजर ने बैंक में रखी सारी करेंसी को आग लगा दिया और सिक्कों को बोरी में भरकर पास के तालाब में फेंकवा दिया। लेकिन ये क्यों हुआ? ठीक उसी समय 18 नवंबर 1962 में एक और बहुत बड़ा इवेंट हुआ, जब भारत के 13 कुमाऊं रेजिमेंट का सामना चाइना के सैनिकों से हुआ। जहां भारत के पास 120 जवान थे, वहां चीन की तरफ से लगभग 3000 सैनिक थे, और जो आगे हुआ उसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। और बहुत कुछ हुआ अक्टूबर 1962 से लेकर नवंबर 1962 तक, जब भारत और चीन के बीच पहला युद्ध शुरू हुआ। यह एकमात्र ऐसा युद्ध था जहाँ भारत ने हार का सामना देखा था। इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मेरा नाम है चिराग, आप देख रहे थिंक बियॉन्ड। चलिए शुरू करते हैं। आखिर क्यों चीन ने भारत पर आक्रमण किया और कैसे भारत ने इसका सामना किया? क्या गलतियां की भारत ने? हम सब जानेंगे। 1947 में भारत आजाद हुआ और दो साल बाद ही 1949 में माओ ज़ेडुंग और ज़ाओ एनलाई ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनने की घोषणा की। एशिया में दो नए देशों का जन्म हुआ, लेकिन ये दोनों अलग अलग रास्ते पर चलने वाले थे। जहां एक तरफ भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सबको अपना मित्र बनाना चाहते थे और शांति के दूत बनते थे, वहीं दूसरी ओर माओ ज़ेडुंग चीन को जल्द से जल्द मिलिट्री और इकोनॉमिक लेवल पर मजबूत करना चाहते थे। चीन के बनते ही जवाहरलाल नेहरू ने चीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार कर लिया। वे चीन से अच्छे संबंध रखना चाहते थे और उस समय तक भारत और चीन के बीच में तिब्बत पड़ता था, तो भारत को चीन से कोई डायरेक्ट खतरा नहीं था। लेकिन अक्टूबर 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया और तिब्बत को एनेक्स कर लिया। यह होते ही सबसे बड़ा खतरा अब भारत पर था और भारत की सिक्योरिटी पर था। अब चीन की सीमा सीधे भारत से जुड़ती थी और भारत में नेताओं के बीच चर्चाएं होना शुरू हो गई। सरदार पटेल इसमें सबसे ज्यादा चौंके और उन्होंने चीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया और जवाहरलाल नेहरू को कई पत्र लिखे। उस समय चीन में भारत के एम्बेसडर केएम पड्डीकर थे और उनके विचारों और पत्रों का जवाहरलाल नेहरू पर बहुत असर पड़ता था। भारत चीन के साथ सीमा को लेकर चीजें साफ करना चाहता था, इसलिए नेहरू ने केएम पड्डीकर को ज़ाओ एनलाई से मिलने भेजा। वह उनसे मिलने गए, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कई मुलाकातों के बाद भी इस पर ज्यादा बात नहीं हुई, तो केएम पड्डीकर ने पीएम नेहरू को चिट्ठी लिखते हुए बोला, मुझे लगता है ज़ाओ एनलाई सीमा को लेकर भारत के पोजीशन को ऑलरेडी जानते हैं और इस मामले पर उनकी चुप्पी का मतलब भारतीय पोजीशन को लेकर मौन सहमति ही हो सकती है। भारत चीन सीमा बिल्कुल तय है और उस पर कोई बातचीत की जरूरत है ही नहीं। यह हमारा अब तक का स्टैंड रहा है और इसे बदलने की जरूरत नहीं है। भारत के कई नेता और अधिकारी इस बात पर भरोसा नहीं कर पाए, कई ने इसका विरोध भी किया। जिस चीन ने पहले 1878 में जिनजियांग और 1950 में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया, उस पर भला कोई क्यों भरोसा करेगा? लेकिन पीएम नेहरू को पड्डीकर के ऊपर पूरा भरोसा था। 5 मार्च 1953 को नेहरू ने चीन के साथ सीमा को लेकर चल रही सारी बातों को रोकने का आदेश दे दिया और कहा, चीन के साथ सीमा पर बात करने का सही वक्त नहीं है। जब उसकी जरूरत पड़ेगी या चीन सीमा को चुनौती देगा, तब हम अपना रुख साफ कर देंगे, इसलिए फिलहाल चीन से बात करने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बीता और 30 अप्रैल 1954 में भारत ने चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसके लिए चीन के प्रधानमंत्री ज़ाओ एनलाई खुद भारत आए। दुनिया भर में पंचशील एग्रीमेंट को लेकर खबरें छपने लगी, हर तरफ खुशी का माहौल सा था और इन खुशियों को बढ़ाते हुए जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे दिया। जहां हमारी आर्मी के सैनिक उनसे लड़ने को तैयार हो रहे थे, वहीं दिल्ली में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे गूंज रहे थे। नेहरू चीन को लेकर पूरे विश्वास में थे, इतने कि पंचशील एग्रीमेंट के साथ उन्होंने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया, जो भारत की आज तक की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक फेलियर में से एक माना जाता है। सब कुछ नेहरू के हिसाब से ठीक था, लेकिन अभी तक सीमा को लेकर चीन के साथ कोई बात नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं चीन भी भारत को एक कमजोर राष्ट्र के रूप में देख रहा था,
जिसके प्रधानमंत्री शांति और मित्रता की रट लगाए रहते हैं और यह मिलने मिलाने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। कुछ समय बाद पंडित नेहरू भी चीन के दौरे पर गए, लेकिन इन्हीं सब में चीन ने 1957 तक अक्साई चिन्ह से होकर जाने वाली सड़क को तैयार कर लिया, जो चीन के शिनजियांग प्रोविंस को तिब्बत से मिलाती थी। और चीन यह दावा करता था कि अक्साई चिन्ह तो शिनजियांग का ही हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का। ऐसे में अक्साई चिन्ह में बनी इस रोड से हमारे संसद में बात विवाद होना शुरू हो चुका था। सभी पंडित नेहरू की नीति के खिलाफ हो चुके थे कि उन्होंने चीन से कभी साफ तरीके से सीमा को लेकर बात साफ की ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने संसद में इसका जवाब देते हुए कहा कि मुझे चीन पर भरोसा है, वह हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और उससे हमें मित्रता के संबंध बनाने चाहिए। और भला अक्साई चिन्ह जैसी जगह जहाँ एक तिनका भी नहीं होता और एक सूखा रेगिस्तान जहाँ सिर्फ पहाड़ है, उसके लिए चीन से युद्ध करना तो एक बेवकूफी ही होगी। जिस पर महावीर त्यागी ने अपनी टोपी उतारते हुए कहा, यहाँ भी तिनका नहीं उगता तो क्या मैं अपनी गर्दन कटवा दूँ? हर कोई चिंता में था। जब पंडित नेहरू पर प्रेशर बहुत बढ़ गया तब उन्होंने ज़ाओ इनलाई को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सीमा को लेकर कई बातें उठाने की कोशिश की, जिसका एक महीने बाद जवाब आया, जिसमें ज़ाओ ने यह साफ कर दिया कि सीमा को लेकर उनकी कोई बात नहीं हुई है और एक प्रस्ताव रखा कि भारत अगर अक्साई चिन्ह को चीन का हिस्सा मान लेता है तो उसके बदले में चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मान लेगा। जवाहरलाल नेहरू स्तब्ध रह गए। जिस चीन की वे मित होने की रट लगाया करते थे वह सीधी चेतावनी दे रहा था और पंडित नेहरू पर बहुत प्रेशर हो चुका था। अब एक इंच जमीन देना भी उनके लिए संभव नहीं था। काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी अप्लाई कर दी, जिसमें भारत की सेना अपनी चौकियों को चीन के नजदीक से नजदीक बनाने की कोशिश करेंगी। यहाँ पंडित नेहरू के ऊपर प्रेशर बना ही हुआ था कि इतने में 1959 में तिब्बत के लीडर दलाई लामा अपनी जान बचाकर भारत आ गए। इससे चीन के लीडर माओ को बहुत गुस्सा आया। उधर माओ ज़ेडोंग पर भी बहुत प्रेशर बना हुआ था, क्योंकि उनकी खराब नीतियों के चलते चीन में 3 करोड़ से ऊपर लोग भुखमरी से मर गए थे और यहाँ दलाई लामा का भारत में रुकना उन्हें बिल्कुल रास नहीं आया। माओ ज़ेडोंग के हाथ से भी पावर छूट रही थी। उन्हें देश का विश्वास उन्हें फिर जीतना था और भारत के साथ टेंशन्स लगातार बढ़ती जा रही थी। और समय आया अप्रैल 1960, जब ज़ाओ इनलाई खुद भारत के दौरे पर आए। पंडित नेहरू पर बहुत प्रेशर था। ज़ाओ का बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया और ज़ाओ इनलाई अगले एक हफ्ते तक भारत में रुके रहे। उनकी पंडित नेहरू से 20 घंटे से ऊपर बातचीत हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कई बार बैठकें बुलाई गई, लेकिन चीन अपने दावों पर टिका रहा। ज़ाओ इनलाई के जाने के बाद भी कई समय तक चीन के साथ डिस्कशंस होते रहे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। यहाँ टेंशन बनी हुई थी। उसी समय पंडित नेहरू की टेबल पर एक रेजिग्नेशन आता है। उस समय के भारत के आर्मी चीफ केएस थिमैया ने रेजिग्नेशन दे दिया था। इसका मुख्य कारण था लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिज मोहन कौल। जवाहरलाल नेहरू के रिश्तेदार बताए जाते थे और यह बात खुद बीएम कौल सबको बताया करते थे। लेकिन समस्या तब हो गई जब उन्हें अचानक से प्रमोशन मिल गया। उनसे पहले 20 लोग और थे, लेकिन उनके लेफ्टिनेंट जनरल बनने से बातें शुरू हो गई। उन्हें बहुत कम अनुभव था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया था। और अब जब भी कोई बात होती तो लेफ्टिनेंट जनरल कौल जनरल थिमैया को न बताकर सीधे पंडित नेहरू को बताया करते, जिससे जनरल थिमैया को लेकर कई बातें होने लगी और जनरल थिमैया ने रेजिग्नेशन दे दिया। इतने प्रेशर में पंडित नेहरू यह सहन नहीं कर सकते थे और उन्होंने रेजिग्नेशन लेने से मना कर दिया और पंडित नेहरू के कहने पर जनरल थिमैया ने रेजिग्नेशन वापस ले लिया। लेकिन पंडित नेहरू की परेशानियां यहां खत्म नहीं होनी थी। और उधर सीमा पर कई बार चीन के सैनिकों ने भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। उसके बावजूद पंडित नेहरू को पूरा भरोसा था कि वर्ल्ड वॉर टू देखने के बाद कोई भी देश युद्ध करने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन बहुत जल्द उनका यह विश्वास टूटने वाला था और फिर तारीख आई 20 अक्टूबर 1962, चीन ने युद्ध शुरू कर दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।